अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप कहाँ से आए और कौन सा मोबाइल था आपका? भैया मैं देवास के निवासी हूँ, गंगानगर में रहता हूँ। हाँ, मेरा कल 25 अक्टूबर को मोबाइल खेड़ापति मंदिर के सामने से चोरी हुआ है। भैया देखने में आया कि करीब 50 से ज्यादा मोबाइल की शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई और लगभग सब खेड़ापति का बता रहे, तो क्या मतलब पुलिस पकड़ नहीं पाई कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? क्या मामला, मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल खेड़ापति के बीच से गए और पास में ही थाना, क्या मानते हैं आप इस बात को? पुलिस की लापरवाही है क्या है भाई साहब? के कल था माता जी का चल समारोह। हाँ, तो उसमें जनता की भीड़ बहुत सारी थी और इसी बीच कुछ चोर उपचकों ने मौका देखकर बहुत सारे लोगों के मोबाइलों से, किसी के गले से चेन वगैरह निकाल लिए, जेबों से मोबाइल निकाल लिए, मंगलसूत्र निकाले, ठीक है, कान के भी निकाले गए हैं। उसी बीच में से जनता ने उन चोरों को पकड़ा भी सही, 5 से 6 लोग पकड़ाए भी। क्या पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की गई? आपने कल उनको पकड़ा था? पुलिस द्वारा कल मतलब जनता ने, हम लोगों ने इनको, जो चोर पकड़ाए थे उनको लॉकअप में डलवा दिया था और पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे जो है रिपोर्ट लिखाने आए थे, तो पुलिस जो है हम लोगों से सिम गुम होने का आवेदन ले रही है और हम लोग आवेदन नहीं देना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? चोरी हुई है, चोरी की रिपोर्ट लिखो। ठीक है, एफआईआर का। क्या नाम है आपका? विशाल पुरोहित जी। मेरा नाम जयराज सिंह झाला है। कल दिनांक 25 तारीख को माता जी के जुलूस में खेड़ापति मंदिर के सामने से मेरा फ़ोन चोरी हुआ है। भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने जेब में से फ़ोन निकाल लिया। उसके बाद फ़ोन मेरा, सबसे पहले मेरी चोरी हुआ था, उसके बाद फिर बहुत से फ़ोन चोरी हुए, करीबन 100 से ऊपर फ़ोन चोरी हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास पुलिस में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमने दर्ज करवाई हैं, जिसमें कुछ महिलाओं के कान की बाली, मंगलसूत्र और चेन भी चोरी हुए हैं। और हमने करीबन 5 से 6 लोगों को जनता ने और हमने मिलकर पकड़ा है और लॉकअप में भी दिया है उनको, जिसमें से एक चोर भागा भी था यहाँ से, उसको फिर पकड़ के लाए हम। और उसके बाद पुलिस प्रशासन से हमने बहुत विनती की थी कि हमारी रिपोर्ट लिख ले, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली, सिर्फ आवेदन लिया है जिसमें ये लिखा है कि सिम बंद करवाना, सिम चोरी हुई है, फ़ोन का नहीं लिखा है। तो हम चाहते हैं कि फ़ोन का भी लिखा जाए। ठीक है, आपका नाम? चोरी का लिखा है। जयराज सिंह झाला। कहाँ से आए आप? मैं राधागंज। तमारो क्या हुआ आपके साथ? मेरा गया मंगलसूत्र। कैसे चोरी हुआ ये? अबे पता नहीं कैसे खींच लिया, काट लिया। कहाँ से हुआ था आपका ये चोरी? इधर पट्टी मंदिर का पास में। क्या कीमत थी आपके मंगलसूत्र की? वो तो 30-35 साल पुराना था भैया। अच्छा, तो क्या आपने रिपोर्ट लिखा दी यहाँ पे? हाँ लिखा दी। ठीक है, अभी क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा है। नहीं, कहाँ से आए आप? शांतिपुरा में। जो कल समारोह का जुलूस निकला था उसके दौरान जो मोबाइल चोरी हुए थे, आपका मोबाइल चोरी हुआ, कितने लोगों के मोबाइल चोरी हुए थे, क्या मामला है ये? और जैसे कि जो खेड़ापति के सामने बाकी अदर जगह भी जहां पर भी पांडाल लगे थे, लोग प्रसाद लेने जा रहे थे, तो चोरों के इतने हौसले बुलंद थे कि उन्होंने मतलब जो जेब में से निकाल लिए मोबाइल सब। और बहुत सारी महिला ऐसी आई थाने पे जिनके मतलब कान की वाली वगैरह ये सब छीनते रहे चोर। आपका भी मोबाइल चोरी हुआ? हाँ, मेरा ही मोबाइल चोरी हुआ। कौन सा मोबाइल था आपका? मेरा मोबाइल वीवो का था, वाज 56। कितने रुपए का था? मेरा मोबाइल 20,000 का था। इससे और कितने लोगों के मोबाइल चोरी हुए थे? कम से कम 100 से 150 लोगों के मोबाइल चोरी हुए। लगातार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते, फिर भी एक जगह से मोबाइल चोरी होते रहे। ठीक है, क्या नाम है आपका? भूपेन पटेल। कल आप भी जुलूस में थे ना? हाँ, जुलूस। भैया बताएं कौन सा मोबाइल था आपका और कैसे गायब हुआ? कोई बोलते पानी खड़ा था, सारा खड़ा था, पानी पी के आया और घर ही जाना था, तो इतने में देखा मोबाइल चोरी हो गया जेब में से, किसी ने निकाल लिया। सैमसंग J7 था, उसका प्राइस था 16,000 रुपये। क्या आपने आवेदन दे दिया अभी? हाँ, मैंने आवेदन दे दिया, उन्होंने फॉर्म दिया है मुझे भर के अभी, और FIR दर्ज नहीं करा अभी। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेश दास। समस्या लेकर आए? 5 मिनट में हर एक फोन चोरी हुआ यहाँ पे। हाँ, से ज्यादा फोन चोरी हुआ, मेरा फोन भी यहाँ बीच में चोरी। कैसे चोरी हो गया, कुछ है आइडिया? बारिश में ही हुआ। अच्छा, कौन सा फोन था आपका? रियलमी C35। क्या कीमत थी उसकी? 14,000। तो अभी आपने शिकायत कर दी यहाँ पर? ठीक है, क्या नाम है आपका? हर्षित। कहाँ से आए आप? बड़ा बाजार। विसर्जन के चल समारोह में कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। अभी कुछ कई लोग आए थे, लगभग 15-20 लोग आए थे कि उनके चल समारोह में उनके मोबाइल कहीं घूम गए हैं, गिर गए हैं, चोरी हो गए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष ये नहीं दिखाया गया कि कोई चोरी हुए हैं, और भीड़ बहुत थी। संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के चोरी हुए हों, संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के गिर गए हों,
तो इसलिए हम सभी लोगों के आवेदन ले लिए गए हैं। साइबर सेल देवास को हमने सभी के आवेदन की कॉपी, उसकी आईएमआई रिपोर्ट और जिनके पास बिल नहीं है उनसे कहा है कि बिल ला के दें और बिल ला कर आईएमआई रिपोर्ट लगा दी जाएगी। साइबर इसको संबंधित जो भी कंपनियां को भेज देंगे, जो भी जितने भी मोबाइल मिलेंगे तो उनसे संपर्क करके उनकी प्रार्थी को दिए। अधिकतर मोबाइल सर खेड़ापति मंदिर के आसपास से ही गायब हुए हैं, क्या कैमरे वैमरे देखेगी पुलिस, क्या जांच? इतनी भीड़ थी, इतनी झांकियां निकलती थी कैमरों में, क्योंकि मोबाइल जेब में रहता है उसको इतनी भीड़ की उसमें प्रत्यक्ष रूप से पहचान पाना मुश्किल होता है, फिर भी कैमरे देखे जाएंगे। और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि जो कोई ना कोई यूज़ करता है, आज नहीं कल उसमें मोबाइल मिलेंगे। तो अभी कितने आवेदन आपके पास आ चुके हैं? अभी हमारे पास 10-12 आवेदन आ चुके हैं।